1963 में पुरातत्विक विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा गुजरात के पास समुद्र में एक रिसर्च की जा रही थी। तभी वहां उन्हें कुछ बड़े पत्थर और दीवारें दिखाई दी जो देखने में मानव निर्मित लग रही थी। अब वैज्ञानिकों ने इन्हें ध्यान से देखा तो उस पर कई तरह के चित्र बने थे। दीवारों में कई दरवाजे थे और पास में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी थी। और इसी तरह से अनजाने में पुरातत्विक विभाग के वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे शहर द्वारिका की खोज की, जिस पर खुद भगवान श्री कृष्ण ने करीब 35 वर्ष तक राज किया था। अर्जुन के जाने के बाद यह पूरा शहर पानी में डूब गया था, जिसके सबूत आज भी वैज्ञानिकों को समुद्र तल में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको समुद्र के अंदर बसी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और उससे जुड़े कई रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका, जहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। भारत में कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। कृष्ण भगवान को द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नरेश यानी राजा थे, जिसका निर्माण उन्होंने अपनी शक्तियों से और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से किया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिन्हें जानकर ऐसा लगता है मानो यह कोई जादुई बातें हों, लेकिन कुछ सालों से लगातार पुरातात्विक वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई सभी बातें सच हैं। और ऐसा ही कुछ द्वारिका के साथ भी हुआ है, जिससे कुछ समय पहले तक लोग एक कथाओं की दुनिया का शहर कहकर बुलाते थे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई द्वारिका जैसा सुंदर शहर भी हो सकता है। लेकिन 1963 और 1990 में गुजरात के किनारे समुद्र तल पर किए गए सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस दौरान खोज में वैज्ञानिकों को समुद्र तल में बड़ी बड़ी दीवारें, पुरानी कलाकृतियों से बने दरवाजे, पत्थर से तराशी गई कई बड़ी बड़ी मूर्तियां, तांबे और पत्थर के सिक्के जैसी वस्तुएं मिली। जिसके अलावा वैज्ञानिकों को यहां पर एक बड़े क्षेत्र में फैली शहर की नियुक्ति मिली, जिसके चारों ओर सभी सामान बिखरे पड़े थे। ये काफी हैरान करने वाला था कि कैसे समुद्र के गहरे पानी में भी ये मूर्तियां सही सलामत थी। जिसके बाद इन्हें अमेरिका के कुछ इंस्टीट्यूट और भारत के कई पुरातत्विक विभागों में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग से यह पता लगाया कि इन मूर्तियों और सिक्कों को कब बनाया गया था और यह आखिर कितने पुराने हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारिका में मिले सिक्के और मूर्तियों को 7000 BC यानी हाथ से करीब 9000 साल पहले बनाया गया था, जो काफी चौंकाने वाली बात है क्योंकि यह समय हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन उस समय इतनी एडवांस नहीं थी कि वह इस तरह की सुंदर दिखने वाली मूर्तियों और इतने बड़े शहर का निर्माण कर सके। जिसके बाद यह साबित हो गया कि यह भगवान श्री कृष्ण और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया द्वारिका शहर है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई हजार साल पहले अपनी प्रजा को शत्रुओं के हमले से बचाने के लिए समुद्र के किनारे किया था। धार्मिक ग्रंथों की माने तो उस समय द्वारिका के चारों ओर कई बंदरगाह भी बनाए गए थे, जहां से द्वारिका के लोग दूसरे राज्यों से व्यापार किया करते थे। इसके अलावा द्वारिका को खूबसूरत दिखाने के लिए द्वारिका के अंदर कई तरह के महलों और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया गया, और साथ ही द्वारिका के अंदर कई झीलें भी बनाई गई थी। और इन्हीं सभी चीजों के निर्माण के सबूत वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारिका में देखने को मिलते हैं। 2005 में पुरातात्विक वैज्ञानिकों द्वारा द्वारिका नगरी का सर्वे किए जाने के बाद कई वैज्ञानिकों का कहना था कि द्वारिका नगरी बिल्कुल वैसी है जैसे द्वारिका नगरी का महाभारत कथा में वर्णन मिलता है। इस नगरी के चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें देखने को मिलती हैं, जिसके कई अवशेष आज भी मौजूद हैं और कुछ अवशेष पानी के तल के नीचे डूबे हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह महाभारत में द्वारिका का वर्णन करते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियों का वर्णन देखने को मिलता है, उसी तरह से कई मूर्तियां भी पुरातात्विक विभाग के वैज्ञानिकों को समुद्र में डूबी हुई मिली, जिनकी कार्बन डेटिंग आज से करीब 9000 साल पुरानी है। महाभारत और कई दूसरे धार्मिक ग्रंथों में द्वारिका का वर्णन बहुत ही सुंदर और भव्य नगरी के रूप में मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया था। वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र में डूबी द्वारिका में मिले कुछ मूर्तियों की कार्बन डेटिंग करने पर पता चलता है कि करीब आज से 12000 साल पुरानी है।
यह वो समय था जब दुनिया के दूसरे हिस्से में लोगों ने खेती करना भी नहीं सीखा था। उस समय द्वारिका में लोग बड़े बड़े घरों और पक्के मकानों में रहा करते थे, जहां कई तरह की सुंदर मूर्तियां और व्यापार के लिए मुद्रा का चलन भी था, जो सच में हैरान करने वाली बात है। महाभारत की कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के करीब 36 साल बाद ही पूरी द्वारिका नगरी गांधारी माता के श्राप के कारण समुद्र तल में डूब गई थी। आखिर क्यों डूबी थी द्वारिका और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को डूबने से क्यों नहीं बचाया? द्वारिका के डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण माता गांधारी के श्राप को माना जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा, तभी यह तय हो चुका था कि युद्ध में पांडवों की जीत होगी और कौरों के वंश का विनाश होगा। लेकिन इसके बावजूद भी श्री कृष्ण ने युद्ध में कई कौरों को छल से मारा और यह बात कौरों की मां गांधारी के लिए काफी पीड़ादायक थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खुद भगवान ने छल से उनके बेटे को उनसे छीना है, जो कि काफी हद तक सच भी था। जिसके बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल को श्राप दिया और श्राप के कुछ सालों बाद ही भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद पूरी द्वारिका मानो अनाथ सी हो गई थी, क्योंकि अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद गांधारी के श्राप से द्वारिका में कई प्राकृतिक आपदाएं आई और अंत में पूरी द्वारिका को समुद्र निगल गया। जिस समय द्वारिका समुद्र में समा रही थी, उस समय अर्जुन भी इसे दूर से देख रहे थे। अर्जुन ने खुद महाभारत में इस बात की व्याख्या की है। अर्जुन ने कहा कि मैंने सुंदर इमारतों को एक के बाद एक जलमग्न होते देखा। कुछ क्षणों के मामले में यह सब खत्म हो गया और इसके बाद समुद्र कैसे शांत हो गया, जैसे वहां पर कुछ था ही नहीं। इसके बाद सबके लिए द्वारिका सिर्फ एक नाम, एक याद बनकर रह गई। दोस्तों, इसी तरह से कई सबूत हमारे महाभारत युद्ध को भी देखने के मिलते हैं। आज के समय में भी कई लोग महाभारत को एक कथा की तरह देखते हैं, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वैज्ञानिक भी महाभारत के होने के प्रमाण दे चुके हैं। इसलिए आज के समय यह कथा ही नहीं बल्कि इसे इतिहास का हिस्सा माना जाता है। और आज से कई हजार साल पहले भारत में घटित हुआ था महाभारत की शुरुआत आज से कई हजार साल पहले राजा मनु से होती है और इस वंश के करीब 50 से ज्यादा राजाओं का वर्णन हमें महाभारत कथा में देखने को मिलता है, जिनमें मुख्य राजा पांडु और धृतराष्ट्र थे। ये काफी हैरान कर देता है कि कैसे महाभारत को लिखते समय इन राजाओं के वंश और शक्तियों को इतनी डिटेल में लिखा गया है। इसके अलावा महाभारत में उस समय घटित कई खगोलीय घटनाओं का भी वर्णन, और जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से उन घटनाओं की गणना की, तो यह साबित हो गया कि सभी खगोलीय घटनाएं आज से 5000 साल पहले घटित हो चुकी हैं। ये बातें साबित करती हैं कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, जिसमें लाखों सैनिक और दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था और खुद भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने में पांडवों की सहायता की थी। कई बार मुझे यह बात काफी हैरान करती है कि कैसे हमारा इतिहास इतना समृद्ध था, जिसकी खोज आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपना जवाब मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।